पहली चीज हमें पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, हमेशा अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखना है। कैसे भी हालात हो, हालात हमेशा एक से नहीं रहते, हर अंधेरी रात के बाद में सुनहरी सुबह होती है। पहले आपका मीडिया हाउस राजस्थान में मनोरोग को लेके कई सारी भ्रांतियां हैं। ये एक ऐसा रोग है जिसमें आप तभी पार पा सकते हैं जब आपको गहन अध्ययन और विशेष चिकित्सा मिले। मनोरोग से जुड़ी एक और चीज़ है जो कोटा शहर में बहुत ज़्यादा है, वो है स्टूडेंट सुसाइड। इन सभी चीज़ों के बारे में अगर किसी ने बहुत ज़्यादा बारीकी से अध्ययन किया है कि इन सबके पीछे वजह क्या है, इनसे कैसे निपटा जाता है, वो है कोटा के डॉक्टर एमएल अग्रवाल। वरिष्ठ मनोरोग विशेषज्ञ के रूप में अपना पूरा जीवन इसी फील्ड को दिया, आज थोड़ा सा समय निकाल के आज डॉक्टर अग्रवाल हमारे बीच हैं। कई सारे ऐसे सवाल हैं जो जनता के मन में हैं, वो हमारे द्वारा अग्रवाल साहब से पूछेंगे। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल सर जी, योग ऋषि स्वामी रामदेव दावा करते हैं जी कि मनोरोग को वो योग से बहुत जल्दी मिटा देंगे, तो आपको क्या लगता है कि ये बात सही है, कितनी खरी है ये बात? ऐसा है कि केवल हिंदुस्तान की नहीं, वर्ल्ड ओवर बात है, WHO भी इसमें शामिल है कि मनोरोगों को इस तरह से मिटाया जा सकता, तो आज ये इतने सारे अस्पताल और इस तरह की जरूरत ही नहीं पड़ती। मनोरोग की ही बात नहीं है, वो तो बहुत बड़े बड़े दावे जो कोई भी आदमी कर सकता है, मैं किसी पर्टिकुलर का नाम नहीं ले रहा, लेकिन दावे करना अलग बात है और रिजल्ट करना, दावे करने वाले खुद ही मलम बेचते हैं। तो उसके ये जो मनोरोग है, इसमें योगा से कुछ स्ट्रेस मैनेजमेंट हो सकता है, थोड़ा उसमें तनाव में कमी आ सकती है। योगा क्या, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, स्पोर्ट्स खेलेंगे, स्पोर्ट्स इज द बेस्ट आंसर टू वर्क, स्पोर्ट्स खेलेंगे उससे, या कुछ सुबह वॉक पे जाएंगे, इन सब से जो है, या गार्डनिंग करेंगे, तो इनसे थोड़ा तनाव कम हो सकता है। लेकिन जो वास्तव में बीमारियां हैं वो ठीक नहीं हो सकती, ठीक के लिए, ठीक होने के बाद उसको मैनेज करने में, थोड़े लाइफ स्टाइल में यदि ठीक रहें तो दूसरी शारीरिक और मानसिक बीमारियां कम हो सकती हैं, पर इसका इलाज नहीं हो सकता जी। सर आपने शायद अपना लगभग जीवन इसी क्षेत्र में जी, जी बहुत सारे रोगी देखे जी, सब कुछ अनुभव करने के बाद आपको क्या लगता है कि किस वजह से इंसान को मनोरोग की समस्या होती है? अच्छे खासे इंसान आके और उनका दिमाग अचानक से कुछ डिस्टर्ब हो जाता है, क्या वजह रही इसके? ऐसा है, ये बहुत ही हमारे यहाँ भ्रांतियाँ हिंदुस्तान में बहुत फैली हुई हैं, और मनोरोगों का मतलब सब अंधविश्वासों से समझते हैं। कोई समझता है भूत लग गया, प्रेत लग गया, चुड़ैल लग गई, पितरों की छाया आ गई, ये ऐसा कुछ नहीं है। और कोई सोचता है पिछले जन्म का मैंने कर्म ऐसे किया तो उनका फल मिला, ये मनोरोग जो हैं वो मल्टीफैक्टोरियल होते हैं और इसमें सब रोग हर एक के एक से कारण नहीं होते, सब में अलग अलग तरह के कारण होते हैं, सारे मनोरोग एक नहीं होते। तो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज है इसमें, WHO है, उसके अनुसार इसमें चलता है सिम्टम और उसके लक्षण मैनेजमेंट उसका। अभी लेटेस्ट जो वर्जन इसका 11 ICD-11 बोलते हैं, वो अभी 18 तारीख को रिलीज हुआ है। तो इसमें बहुत सारे कारण होते हैं, पहले इसमें कुछ बीमारियों में तो हेरिडिटी, वंश के अनुसार, वंश या एक वंश माता की तरफ से भी हेरिडिटी आती है, पिता की तरफ वंशानुगत होता है, वो इसमें काम करता है। उसके अलावा जो है स्ट्रेस जो है घर का हो सकता है, परिवार का हो सकता है, वो उसको प्रेसिपिटेट कर देती है। कई बार आदमी की टेंडेंसी होती है वो कंपनसेटेड चल रहा हो, स्ट्रेस आ जाता है, तो बीमारी जो अंदर होती है वो प्रेसिपिटेट हो जाती है। इसके अलावा जो और दूसरे कई जो कारण होते हैं, पहले डेवलपमेंटल कारण होते हैं, वो इसमें होते हैं। सबसे ज़्यादा बड़ा कारण जो आया है उभर के, जो अब लेटेस्ट रिसर्च हुई है पिछले 20 साल के अंदर, उसमें है जो बायोकेमिकल कारण से होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं ब्रेन के अंदर, वो पर्टिकुलर जगह पे, खास जगह पे कम ज़्यादा हो जाते हैं, या उनका नॉर्मल प्रोडक्शन चालू हो जाता है, तो उसकी वजह से ये किस रिसेप्टर पर कौन सा गड़बड़ आ गई, तो अलग अलग बहुत सारे रिसर्च का विषय है, बहुत अच्छी रिसर्च हुई है। और वो कारण जो सबसे ज़्यादा काम करते हैं, और जब वो कारण हमें पता लगा है तो उसका निवारण भी, जब एक कारण पता तो अच्छी से अच्छी दवाइयाँ जो निकली हैं। पहले क्या होता था, हम केवल इन दवाइयों को देके आदमी को सिम्टम फ्री कर देते, घर वालों को तंग नहीं करे, और वो परिवार पैरासाइट जोक बन जाता था। अब हमारे उद्देश्य इन नई दवाइयों से हम उसको जल्दी से जल्दी उसको ऐसा खड़ा कर देते हैं कि वो अपने परिवार को संभाल सके और अपने रोजगार को वापस चालू कर सकते, क्वालिटी ऑफ लाइफ उसकी ठीक रहे, परिवार के लिए प्रोडक्शन करे, जो देश के लिए प्रोडक्टिव नागरिक बन जाएगा।
अच्छा डॉक्टर साहब, एक समय पे कोटा शहर के द्वारा होप हेल्पलाइन शुरू की गई थी जिसका दायित्व तो आपने संभाला। जी जी। तो क्या लगा कि उस होप को शुरू करने के बाद स्टूडेंट सुसाइड जो कोटा का सबसे बड़ा इशू, कितनी कमी आई उस पर? होप सोसाइटी जो हमने 2010 में चालू की थी जी, तो उस समय जो सोसाइटी में इतनी कमी आ गई थी, 2013 की यदि नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट को आप देखेंगे, जो नेशनल पूरे कोटा की, न केवल स्टूडेंट्स की, पूरे कोटा की आप 2013 की रिपोर्ट देखोगे तो नेशनल एवरेज उस समय था 11 डेथ 1 लाख पर्सन के ऊपर, जो यहाँ हमारे कोटा का वो एवरेज आ गया था 6 डेथ 1 लाख पर्सन के ऊपर, नेशनल एवरेज से इतना कम आ गई थी। जब बंद हुई तो फिर उसकी बढ़ गई थोड़ी, तो फिर हमने 2015 में दोबारा चालू की इसको, फिर वापस कम हुई, और 2015 में भी उस समय भी बढ़ी है। 2015 की रिपोर्ट में तो नेशनल एवरेज से बाहर नहीं गई स्टूडेंट के, पूरे कोटा की भी जब नेशनल एवरेज 10.6 था 1 लाख डेथ, तो उस समय हमारा कोटा का 10 ही बता रहा है जी। तो इतनी भी नहीं बढ़ी, हाईलाइट ज़्यादा कर दी गई। तो स्टूडेंट्स 2 लाख स्टूडेंट्स में यदि नेशनल एवरेज में देखें तो 15 सुसाइड तो अपने आप उसमें नेशनल एवरेज में ही रहती हैं, तो इसलिए। और स्टूडेंट्स की जो एज होती है उस एज में सुसाइड ज़्यादा होती है या बुजुर्गों में ज़्यादा होती है, तो उसमें रिस्क बढ़ जाती है। और हमारे यहाँ तो स्टूडेंट्स उन प्रांतों से भी आते हैं, जैसे मेघालय है, पांडिचेरी है, कर्नाटका है, हैदराबाद, इनमें सुसाइड रेट ज़्यादा है। आप देखो पांडिचेरी और मेघालय का देखो तो 35 से 40 डेथ 1 लाख के ऊपर होती हैं। ऐसे प्रांतों से भी हमारे यहाँ स्टूडेंट्स आते हैं, तो उनमें जिनके परिवार में डेथ सुसाइड होती है उनमें रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है। अच्छा, जैसे आपने कहा कि 1 लाख में 15, ठीक है ना, तो वो जो 15 नहीं, 1 लाख में, 1 लाख पर अभी जो नेक्स्ट, जो कोटा में ये सुसाइड्स हो रहे हैं बहुत कम आंकड़े में आप कह रहे हैं, इनके पीछे क्या वजह ऑब्जर्व किया आपने, क्या रीजन है? देखो स्टूडेंट्स के सुसाइड की वजह है, सबसे पहले तो मैं स्टूडेंट क्या ओवरऑल सोसाइटी की वजह बताता हूँ मैं आपको। जो वर्ल्ड फेडरेशन मेंटल हेल्थ है वो उसके अनुसार 80 से 90% सुसाइड्स होते हैं साइकेट्रिक बीमारियों के, अननोटिस जो बीमारियाँ रह जाती हैं जिनका समय पर इलाज नहीं होता या पहचान नहीं पाते और उसका इलाज नहीं होता, तो उनकी वजह से होती हैं। यदि उनको समय पर पहचान और सही इलाज कर दिया जाए तो उनका उन सुसाइड को हम कम कर सकते हैं। इसलिए जो स्टूडेंट्स के अंदर है उनके अंदर मैंने ये ऑब्जर्व किया, दूसरे फैक्टर्स तो मैं बताऊंगा आपको जो प्रेसिपिटेट करते हैं, लेकिन यहाँ आने से पहले 3-3 साल 4-4 साल से साइकेट्रिक इलनेस चल रही है पर उन घर वाले समझ ही नहीं पा रहे, इलाज भी नहीं कराया, यहाँ लेके आए, माँ से पूछा कि कान में आवाज़ आ रही है, वो बच्चा कह रहा है 3 साल से वो इलाज कराया कि हमें तो पता नहीं ये भी कोई बीमारी है, हमने तो कोई इलाज नहीं करा। तो जो बहुत मेजर सिम्टम है वो कान में आवाज़ आना एक मेजर बीमारी का संकेत देता है। इस तरह बहुत सारी बीमारियाँ जो इन बच्चों में कई साल से लेके आए, कल भी वो एक बच्ची जैसे श्रीनगर की थी, वो बता रही थी कि वो 7वीं क्लास से इस तरह की प्रॉब्लम से चल रही है, लेकिन उसके घर वालों ने नहीं दिया 7वीं में 9th में, और अब सीवियरिटी यहाँ आने के बाद इतनी बढ़ गई वो सुसाइड करने की टेंडेंसी आ गई। तो इस तरह से जो साइकेटिक इलनेस है उनको यदि समय पर पहचान के समय पर इलाज किया जाए तो हम बहुत सारी सुसाइड रोक सकते हैं। दूसरा जो है इनमें जो बच्चों में स्ट्रेस जो होता है, बहुत तरह का स्ट्रेस आता है इनमें, एक थीसिस हमने किया है इस पर, डॉक्टर से हमारे पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट से थीसिस करा है। पहली चीज़ तो जो है कि बच्चे आते हैं घर से बाहर कभी नहीं गए, यहाँ आते हैं तो उनमें सेपरेशन एंग्जाइटी हो जाती है कि माँ बाप से पहले अलग नहीं है। कुछ बच्चे सेटल हो जाते हैं और वो तो बच्चे तो सेटल हो रहे हैं, माँ बाप सेटल नहीं हो रहे, वो बार बार फ़ोन करते हैं, बार बार मिलने आते हैं, वो डिस्टर्ब कर देते हैं, बच्चे को सेटल नहीं होते, तो वो पेरेंट्स की सेपरेशन एंग्जाइटी कहते हैं उसको। उसके अलावा जो है जो पहला टेस्ट होता है उसके बाद बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं, हर बच्चा अपने स्कूल से, मतलब बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने स्कूल में गए होंगे तो जब से पहले LKG से यहाँ आते हैं जब तक वो फर्स्ट 5 में या फर्स्ट 2nd रहते हैं, पर यहाँ पूरे हिंदुस्तान के टॉपर्स इकट्ठे हो गए, जब टॉपर्स में पहला टेस्ट में कंपटीशन होता है एक तनाव का कारण हो जाता है। तो इसके अलावा एक कुछ बच्चों में ये भी देखता हूँ मैं कि माँ बाप वो उसकी इच्छा ही नहीं होती, वो सब्जेक्ट कुछ लेना चाहता है, माँ बाप जबरदस्ती उसकी इच्छा को और उसकी रुचि और अभिरुचि दोनों को देखे बिना वो उसको यहाँ भेज देते हैं, अपनी इच्छाएं उसमें पूरी करने ले जाते हैं। तो ये जो कारण है वो भी कभी कभी बच्चों को डिस्टर्ब कर देता। जैसे मैं एक बच्चा आया, मैंने पूछा तुम IIT करना,
खुद चाहते हो कि नहीं मैं तो नहीं चाहता था, फिर घर वालों जबरदस्ती भेज दिया, तुम क्या चाहते हो, मैं तो लालू जी की तरह नेता बनना चाहता हूँ, जो नेता बनना चाहता है वो आईटी करने भेज दो, डिप्रेशन माना ही है। इस तरह के अनेक एग्जांपल्स हैं, तो इसलिए ये भी होता है, कुछ पेरेंट्स की बहुत हाई एक्सपेक्टेशन होती है कि वो अच्छी रैंक ला रहा है फिर भी उसको रहता नहीं फर्स्ट में आए, तो फर्स्ट तो कुछ कम, सारे तो नहीं आ सकते ना, अच्छी रैंक अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है फिर भी इतनी हाई एक्सपेक्टेशन होती है, बच्चे को तनाव में ले आते हैं, तो वो भी नहीं चाहिए, उसमें पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए। तो ये कुछ बहुत सारे कारण जो मिला के इसको, जो पहले से बीमारी चल रही होती है, डिप्रेशन चल रहा है या और दूसरी साइकेटिक बीमारी चल रही है, मतलब सुसाइड की वजह ये सारे कारण हैं जो समा पॉकेट एक स्टूडेंट में जनरेट किया है। या तो अच्छा एक सवाल आपसे और, कि जैसे आपने होप चलाई गवर्नमेंट के साथ मिलकर, क्या आपको लगता है कि सुसाइड रोकने के लिए कोचिंग संस्थान, यहाँ के जो स्थानीय कोचिंग संस्थान है, वो अपने दायित्व का पूर्ण निर्वहन कर रहे हैं? अभी जो गाइडलाइंस उनको दिया है उसको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी कुछ ने, जैसे कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट ने साइकेट्रिस्ट भी हायर किए हैं और कुछ ने साइकोलॉजिस्ट भी हायर किए हैं, तो कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो है प्रशासन के दबाव के बिना उसको पूरा करने की कोशिश नहीं करते, विलफुली सब करना चाहिए, यदि हम फालतू के एजेंडों में तो इतना पैसा बर्बाद कर दें, एडवर्टाइजमेंट तो ठीक है उनका मार्केटिंग का है, लेकिन दूसरे जैसे प्रोग्राम्स कराते हैं तो उनमें तो इतना करोड़ों खर्च कर देते हैं, और हेल्पलाइन जैसी चीज़ जो बिल्कुल रिजल्ट दे रही है, एक एक कॉल का जिसका रिकॉर्ड रखा जा रहा है, उसमें प्रशासन के दबाव पे मना कोई कुछ करना ही नहीं चाहता, कुछ ने तो मेरे को कहा था कि अब और किसी से नहीं, हम ही हेल्प करेंगे, अभी पिछले मेरे को फिर वही पहले वाली नौबत आ रही, 4 महीने से मेरी सैलरी का पेमेंट नहीं कर पा रहा था, मैं कलेक्टर साहब से पहले वालों से मिला तो उनका ट्रांसफर हो गया, अभी वालों से भी मैं मिला हूँ जो भी अभी इस प्रोग्राम में बिजी हो रहे हैं, और वो इसको अध्ययन करा के मेरे को बुलाने को कहा था, तो करेंगे, वो भी अपना समय लेंगे, तो मैंने अभी तो व्यवस्था कर दी है, 3 महीने की सैलरी चढ़ गई थी, तो किसी तरह से मैं कोशिश करके, पहले भी ऐसे चलाई थी 4-5 साल तक, जहाँ तक मेरे रिसोर्सेज एब्जॉर्ब नहीं होते तब तक तो मैं चलाऊँगा। और ये कहना कि ये कॉल्स बहुत कम है मेरे को समझ में नहीं आता, यदि आप जहाँ आप यदि इस कीमत में जो हेल्पलाइन के आ रही है उसमें यदि कुछ लाइफ भी बचाते हो, जब 200-300 से ज़्यादा लोग जो ऐसे लोग हैं उसी दिन सुसाइड कर रहे थे, उनको हमने बचाया है, सुसाइड पॉइंट से लोगों को उठा के बचाया, और यदि कह दें कि कॉल्स की संख्या कम है तो बिल्कुल समझ में नहीं आती, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, नहीं समथिंग नहीं, इतने पैसे में आप इतनी जिंदगी का एक जिंदगी भी नहीं खरीद सकते, किसी को वापस ला सकते हो क्या, वो तो उस लास्ट मोमेंट में खड़ा है आदमी सुसाइड करने के लिए, चंबल के किनारे खड़ा है या कमरे में तैयारी करके खड़ा है, और वो कॉल करता है उसको बचा लिया जाता है, तो इतने पैसे में एक जिंदगी भी नहीं खरीदी जा सकती, वापस नहीं ला सकते हम। अच्छा ये कैसे होता है, जैसे आपके पास फोन आ गया, आप तुरंत वहाँ पहुँच गए, अब वो सुसाइड का मूड ही बना के बैठा है, तो आप कैसे डाइवर्ट करते हैं, कितना मुश्किल होता है वो? देखो ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया है, और इसी साइकोलॉजी के ऊपर पूरे वर्ल्ड में ये हेल्पलाइन चलती हैं, यूरोप में अमेरिका में तो बहुत पॉपुलर है, हिंदुस्तान में हमारे बाद में 1-2 जनों ने चालू की है, लेकिन ये थ्योरी साइकोलॉजी होती है हर आदमी की जो सुसाइड करने जा रहा है, एक तो कुछ क्ल्यूज छोड़ता है उनको यदि हम पहचान लें, दूसरा यदि वो सुसाइड पॉइंट पर भी जाके लास्ट मोमेंट भी वो हेल्प चाहता है, उसको लास्ट मोमेंट भी वो अपने आप को ख़त्म नहीं कर देता, अपनी प्रॉब्लम को ख़त्म करना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू किल प्रॉब्लम नॉट हिमसेल्फ, तो ऐसे न्यूट्रल आदमी की हेल्प चाहिए उसको, जो जानता नहीं हो, और ऐसा जैसे जो हेल्पलाइन है वो न्यूट्रल पर्सन है, तो वहाँ जाके वो खुद करता है, फिर उसको मैनेज करना पड़ता है। हमने जो काउंसलर्स को ट्रेनिंग है सबसे पहले लिसनिंग की दी है, उसको पहले पूरा उसको सुना जाता है, और उसको लगे कि ये आदमी मेरे को हेल्पफुल है, मेरी सहायता करेगा, ये मेरे से कंसर्न है, इस तरह की ट्रेनिंग उनको दी है काउंसलर्स को, तो जिसे वो तसली से फिर सुनते हैं, फिर अपनी कुछ एडवाइस तो बाद में देते हैं, पहले उसको वेंटिलेट करते हैं, और वेंटिलेट करने के बाद में उसको मैनेज करते हैं, और उसकी वजह से वो खुद भी आ जाते हैं उसकी वजह से। आजकल तो हमारी जो हेल्पलाइन है वो नेट पे कोई सर्च करता है अभी उसको मिल जाती है, नेट पे भी वो आ रही है। अभी एक लड़का जो है सुसाइड करने के तरीके ढूंढ रहा था नेट पे, उसको हेल्पलाइन का नंबर आ गया, उसने कॉल किया, उसको मैनेज किया,
काउंसलर्स ने बुला लिया, फिर वो मेरे पास लेके आए यहाँ पे और मैंने मैनेज किया उसको। फिर डिप्रेशन बहुत सीवियर था, उसको दवाइयाँ चालू की और वो ठीक है। तो इस तरह के भी होते हैं। अच्छा, एक मेरा पर्सनल मन का सवाल है जो मैं आपसे पूछूंगा। कहते हैं कि जो एक मेंटल डॉक्टर होता है, जो मनोरोगी होता है, वो भी कहीं ना कहीं इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है जीवन भर ऐसे ऐसे पेशेंट देखते हैं, तो क्या लगा आपके अनुभव से, क्या सच में ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जो ऐसे ऐसे क्रोनिक मरीज आते हैं और जो वापस जॉब पे जाते हैं तो बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन होता है। ऐसा कुछ नहीं होता, ये पुराने गलत ये मिथ समानियां बनी हुई हैं। हाँ। और उसकी वजह से लोग पहले जाते नहीं थे, अब वो जो पहले एक वो चार दीवारी के अंदर जो हॉस्पिटल के अंदर होता था, पागल खाने जिसको बोलते थे, असाइलम्स जो होते हैं, वो थ्योरी खत्म हो गई। अब जनरल हॉस्पिटल के अलावा अब तो प्राइवेट साइकेट्री पूरी इंडिया में चल रही है, बहुत अच्छा। आजकल जैसे दूसरे नर्सिंग होम उसी तरह से नर्सिंग होम में वही सब फैसिलिटी हम उनको वहाँ देते हैं, जैसे उनको सारे ह्यूमन राइट्स प्रिजर्व करते हैं, उनके अच्छा पानी भी मिले, अच्छी हवा भी मिले, सब कुछ मिले, अक्वा गार्ड का पानी भी मिले, सारी फैसिलिटी उनको उसी तरह ट्रीट करते हैं। और ऐसा कुछ नहीं होता, हमें कभी ऐसा नहीं लगता कि हम अपने आप को फ्रस्ट्रेटेड फील करें। और मेरे में जो चेंज आए हो तो आप सबके सामने है कि मेरे में यही चेंज आया कि मैं समाज सेवा की तरफ ज़्यादा समर्पित हो गया। एक आखिरी सवाल कि जो लोग हैं, आम लोग हैं, वो एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उन्हें मनोरोग कभी हो ही ना, तो वो खुद की दिनचर्या कैसे रखें, कैसे अपने फूड्स को मैनेज करें, क्या क्या विशेष काम वो करें? देखिए, पहली तो चीज़ ये है कि हम नहीं चाहते हो भी कई बार हमें बीमारी का शिकार होना पड़ेगा, पड़ सकता है यदि हमारी हेरिडिटी है, हमारा बायोलॉजिकल मेकअप ऐसा है। जैसे डायबिटीज हम नहीं चाहते फिर भी हो जाती है, इसी तरह डायबिटीज है, इसी तरह से मनोरोग होते हैं। दूसरी जैसे शारीरिक बीमारी होती है, ऐसे ही मनोरोग होते हैं। तो कई बार तो हम चाहते हुए भी हमें ये बीमारी आएगी, आ सकती है, क्योंकि हमारे यदि जेनेटिक मेकअप इस तरह से है, जीन्स ऐसी तरह से हैं और हो सकती है तो कुछ सिम्टम्स आ जाएँ। लेकिन जो साधारण न्यूरोसिस वगैरह जो साधारण बीमारियाँ हैं जिनमें उस तरह हेरिडिटी काम नहीं करती, वो बीमारियाँ हम रोक सकते हैं और इन बीमारियों को भी कम कर सकते हैं, उनकी सीवियरिटी भी कम हो सकती है। यदि हम पहली चीज़ हमें पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, हमेशा अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखना है, कैसे भी हालात हों, हालात हमेशा एक से नहीं रहते, हर अंधेरी रात के बाद में सुनहरी सुबह होती है। पहली चीज़ तो ये हमें पॉजिटिव थिंकिंग बनानी है, लाइफ स्टाइल हमें अच्छी होनी चाहिए, किसी तरह नशीली पदार्थ का हम सेवन नहीं करें, नशीले पदार्थ हमारा मानसिक संतुलन बिगाड़ देते, सारी बीमारियाँ पैदा कर देती हैं। उसके अलावा जो है अपने अच्छी हेल्दी डाइट लें, न्यूट्रिशन वाली डाइट लें, सुबह शाम घूमने जाएं और योगा कर सकें, मेडिटेशन कर सकें वो करें और उसमें हेल्पफुल रहते हैं। और आप उसके अलावा जो है यदि आपको कभी भी स्ट्रेस लगे या इस तरह के कुछ लक्षण लगें जो हम ऑलरेडी उसकी हम समय समय पे पब्लिक अवेयरनेस करते रहते हैं, तो हम अक्सर कतराते रहते हैं, सिम्टम आते ही हम डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहते, एक स्टिग्मा हमारे साथ लगा हुआ कि पागलों के डॉक्टर, तो ये समझ के कोई हमें कुछ समझ नहीं ले। कतराने की जरूरत नहीं है, यदि हम ऐसे कतराएंगे तो हमारा ही नुकसान होगा, छोटी चीज़ बड़ी बन जाएगी और जो समय हाथ से निकल जाता है वो वापस नहीं आता, हम भी उसमें फिर ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाते। तो यदि जितना जल्दी उसको पहचान के इलाज कराएंगे तो आपकी सफरिंग बिल्कुल कम हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर अग्रवाल का कहना है कि जो इंसान सुसाइड करना करता है वो कोई ना कोई क्लू छोड़ता है, मतलब अगर आपके आसपास कोई इंसान फ्रस्ट्रेट है तो आप उसे संभालें, उसे बैठाएं, उसे सुने। इसके अलावा एक इंसान जो चाहता है उसे कभी भी मनोरोग नहीं हो, उसे अच्छी डाइट रखनी चाहिए, योगा मेडिटेशन करना चाहिए, सुबह शाम घूमने जाना चाहिए, अपने चारों तरफ पॉजिटिव माहौल रखना चाहिए। स्टूडेंट सुसाइड को लेके डॉक्टर अग्रवाल ने कई सारी गंभीर बातें उठाई कि कई बार इन्होंने स्टूडेंट को सुसाइड पॉइंट से उठा के उसे मोटिवेट किया है और आज वो बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहा है। धन्यवाद।